हिंदी प्रवक्ता लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर। सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर में उद्धृत आज भ्रमर गीत का दृष्टकूट पद संख्या 9 जो एकादश में है, इसके विषय में हम महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए आज इसकी व्याख्या बता रहे हैं। पहले तो हम भ्रमर गीत इसका नाम क्यों पड़ा इसका ध्यान करें। तो एक बार उद्धव नंद बाबा की पौरी में बैठे हुए थे और गोपियां उनके पास में बैठी हुई थी। वह योग का संदेश लेकर के आई थी। उनके आंगन में, बहुत बड़ा आंगन था नंद बाबा का, उस आंगन में अनेक पुष्पित पौधे थे, जहाँ पर एक काले रंग का श्यामल वर्ण का भ्रमर गुंजार रहा था। और वह कभी किसी कली पर बैठता था, कभी किसी कली पर बैठता था। ऐसे ही उद्धव जब भी आते थे कोई ना कोई संदेश लेकर के आते थे। आज वह योग का संदेश लेकर के आए, तब गोपियों ने उस भ्रमर को देखकर कहा कि हे उद्धव, तुम भ्रमर हो, तुम्हारा स्थायित्व तो नहीं है। जिस प्रकार से ये भोरा कभी किसी कली पर बैठता है, कभी किसी कली पर बैठता है, ऐसे ही तुम्हारी बात का कोई स्थायित्व तो नहीं है। पहले आप श्री कृष्ण का संदेश लेकर आते थे, आज श्री कृष्ण के योग का संदेश लेकर के आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि श्री कृष्ण को छोड़कर योग के द्वारा दूसरे ब्रह्म की उपासना करो, हम भ्रमर नहीं हैं। तो भ्रमर के द्वारा संकेत करके जो गीत गाए गए वह भ्रमर गीत के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये भ्रमर गीत सूर सागर में 3रा और 10वां दो भ्रमर गीत हैं। हालांकि एक इसकी तर्ज पर एक भंवर गीत भी है जो नंददास ने लिखा है, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन यह है भ्रमर गीत, भ्रमर को संदेश देकर संकेत करते हुए जो गीत गाए गए वो भ्रमर गीत हैं, ये सूरदास जी द्वारा। तो पहले हम देखते हैं इस पद को। कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरध अवध मद हम सो हरिहार चल जात। ससरिपु परस सूर रिपु जुगबर हर रिपु की नो घात। मग पंचक ले गयो सामरो ताते यति अकुलात। ग्रह वेद नक्षत्र जोर अर्ध करे सोई बनत अब खात। सूरदास बस भई भी रह के करमी जे पछतात। कहत कत परदेसी की बात, गोपियां श्री कृष्ण के कच्ची बात के विषय में उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, हमें श्री कृष्ण की बात पर विश्वास नहीं है, वो बात के पक्के नहीं हैं। और वैसे भी अब वे परदेसी हो गए हैं, परदेसी कभी बात के पक्के नहीं होते। इसलिए कहत कत परदेसी की बात, कत सब जो है ये संस्कृत का शब्द है, कत मानी क्या, उन श्री कृष्ण परदेसी की बात का क्या वर्णन किया जाए, क्या कहा जाए। क्यों? क्योंकि मंदिर अरध, मंदिर ये दृष्टकूट पद है। दृष्टकूट पद का अर्थ निकालने के लिए, आशय खोजने के लिए बड़े बड़े विद्वान भ्रमित हो जाते हैं। तो मंदिर का अर्थ है घर, मंदिर घर, मंदिर अरध मंदिर का आधा भाग यानी घर का आधा हिस्सा,
आधा हिस्सा पिछवाड़ा, इसको और देखें तो पखवाड़ा। पखवाड़ा यानी एक पक्ष, महीने में दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। एक पक्ष 15 दिन का होता है, तो 15 दिन यानी पखवाड़ा 15 दिन। अरद बद हमसो, बद मानी, ये भी संस्कृत का शब्द है, बद मानी कहना, बताना, वादा करना। महीने की आधी अवधि अर्थात 15 दिन की अवधि हमसे बता करके गए थे। हरे आहार चल जात, हरी, हरी मानी बंदर भी है, हरी मानी सिंह भी है, हरी मानी विष्णु भगवान भी है। तो यहां पर हरी मानी सिंह, हरे आहार चल जात, हरी मानी सिंह, सिंह का आहार, सिंह का आहार यानी मांस। एक मास बीत गया अर्थात एक महीना बीत गया है। गोपियां अपनी व्यथा बता रही हैं कि हमसे 15 दिन की अवधि बता करके गए थे, लेकिन आज उन्हें एक महीना बीत गया है। ऐसे श्री कृष्ण की बात का कहां तक विश्वास किया जाए, उनको क्यों कहा जाए। और श्री कृष्ण के जाने के बाद हमारा जो समय है, ससरिपु परस, ससरिपु चंद्रमा का शत्रु, चंद्रमा का शत्रु दिन, यह राहु नहीं, क्योंकि दृष्टिभूत पद है, इसको खोजना पड़ता है। चंद्रमा का शत्रु दिन, ससरिप बरस, हमारा दिन एक वर्ष के समान बीत रहा है। और सूर्यरिप जुगवर, और सूर्य का शत्रु रात, रात हमारी युगों के बराबर बीत रही है। अर्थात एक दिन एक वर्ष के बराबर और एक रात एक युग के बराबर व्यतीत हो रही है हमारी। हम इतने दुखी हैं कि हर रिपु कीनो घात, हर मानी शंकर भगवान का शत्रु कामदेव ने हम पर घात कर दिया है, हम पर आक्रमण कर दिया है। कामदेव ने भी हमें व्यथा दे दी है, वो भी हमें दुखी कर रहा है। हम इतने दुखी हैं, और अधिक तो हम जब दुखी हैं, मग पंचक ले गयो सामरो ताते यते कुलात। मग पंचक, मघा नक्षत्र से पांचवा नक्षत्र, मघा उत्तरा फाल्गुनी पूर्व फाल्गुनी हस्त और चित्रा, यानी पांचवा नक्षत्र चित्रा। मग पंचक मघा नक्षत्र से पांचवा नक्षत्र चित्ता, चित्र चित्रा यानी चित्त। हमारा जो चित्त है, हमारा मन जो है, वो श्री कृष्ण साथ में ले गए हैं, इसलिए हम और भी अधिक व्याकुल हैं। ताते यत्य कुलात, इसलिए हम और भी अधिक व्याकुल हैं, क्योंकि हमारा चित्त तो श्री कृष्ण जी अपने साथ ले गए हैं। मग पंचक ले गए हो सामरो ताते यत्य कुलात, इसलिए हम और भी अधिक व्याकुल हैं। मग पंचक मघा नक्षत्र से पांचवा नक्षत्र चित्रा यानी चित्त, हमारा मन, मन जो है वो श्री कृष्ण जी ले गए हैं, इसलिए हम और भी अधिक व्याकुल हैं। ग्रह वेद नक्षत्र जोर अरध कर सोई बन तब घात। ग्रह नौ, वेद चार, नक्षत्र 27, अश्वनी भरणी कृतिका रोहिणी लेकर के ये 27 नक्षत्र होते हैं। तो 27 नक्षत्र हैं, तो 9 और 4 13, 27 40, जोर जोर मानी जोर कर 40। अर्धकर, नक्षत्र जोर अर्धगर सोई बनत अवघात। ग्रह 9, वेद 4, नक्षत्र 27, इनको जोड़कर यानी 40, उनका आधा करके 20, 20 अर्थात विष, सोई बनत अवघात। अब तो हमें वही खाते बनेगा, अर्थात हमारे पास
और कोई उपाय नहीं है सिवा विष खाने के अलावा। हे उद्धव, अब तो हमें विष ही खाना पड़ेगा। सोई बनता खात सूरदास बस भई विरह के कर्मी ने पश्चात। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां विरह के कारण इतनी दुखी हो रही हैं, उनकी दुख की चरम सीमा है, वो हाथ मल मल करके पछता रही हैं, बहुत दुखी हो रही हैं गोपियां। और सूरदास बस वही विरह के कर्मी ने पछता, हाथ मीट मीट करके हाथ मल मल करके पछता रही हैं। हाथ मल कर पछताना बहुत अधिक दुखी होना मुहावरा है। तो अब एक नया पद्धति जो आई है, अब NCERT के आधार पर इसकी व्याख्या तो है ही है, इसमें तो हमें करनी है व्याख्या, उसके अलावा प्रश्नोत्तर भी आते हैं और उस प्रश्नोत्तर में चार प्रकार के प्रश्न होते हैं। पहला प्रश्न होता है संदर्भ और प्रसंग। संदर्भ प्रस्तुत पद या गेय पद हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि के भ्रमर गीत द्वारा भ्रमर गीत से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। ये संदर्भ प्रसंग में गोपियां श्री कृष्ण के मथुरा जाने के उपरांत जब वो परदेशी हो गए हैं तो परदेशी के लक्षण बताती हुई उनकी बात का विश्वास न करती हुई उद्धव से अपने मन की व्यथा को बता रही है। ये प्रसंग है, संदर्भ प्रसंग का ये पहला प्रश्न होता है। दूसरा प्रश्न है इसमें श्री कृष्ण जी कितनी अवधि कहकर गए थे, तो उसमें लिखा हुआ है पहले मंदिर अवध, मंदिर की आधी, मंदिर अरध, मंदिर की आधी अवधि यानी 15 दिन की अवधि बताकर गए थे। पहले प्रश्न का उत्तर देखें। और गोपियां अत्यधिक व्याकुल क्यों थी, क्योंकि मग पंचक ले गए और सामरो उनका चित्त जो है वो श्री कृष्ण जी ले गए थे, इसलिए वो अत्यधिक दुखी थी। उनके दिन और रात किसके समान व्यतीत हो रहे थे। तो लिखा है ससरिप बरस सूर्य जुगपत, दिन उनका जो है वर्ष के समान और रात्रि जो है वो युग के समान बीत रही थी। ये इसका प्रश्न हो गया। अब ये पद जो है वो दृष्टकूट पद है, बताया था इसका अर्थ निकालना बड़ा कठिन है। गेय पद है, भाषा देखें तो साहित्यिक ब्रजभाषा है और अनुप्रास अलंकार है, 6 का अनुप्रास है ये। हालांकि इंटर में 6 का अनुप्रास नहीं है, ये अनुप्रास ही बताएंगे, अनुप्रास अलंकार है इसमें, अनुप्रास अलंकार है इसमें। अब ठीक ऐसे ही एक घनानंद हुए हैं। घनानंद कभी भी उनकी जो प्रेमिका थी गणिका उसको भगवान मानते थे वो, और उसी प्रकार से उन्होंने ठीक ऐसे ही पद लिखा है। लिखा है कि जरा देखें, कौन भौपाटी पड़े हो लला, मन लेव पै देव छटाक नहीं, ये घनानंद ने अपनी प्रेम का जिसे भगवान मानते थे वो, उसी के बारे में लिखा है तुम कौन सी परपाटी पड़े हो, हमारा पूरा मन लेना चाहते हो लेकिन अपना जो है छटाक भर भी नहीं देना चाहते। अर्थात श्री कृष्ण से गोपियां इसी का विवरण कर रही हैं कि वो बता रही हैं कि आप इतनी सारी अवधि बता करके गए थे बहुत थोड़ी सी, लेकिन आप तो बिल्कुल भूल गए, अर्थात हमसे आपको जरा भी प्रेम नहीं है, हमारा मन पूरा ले गए हो लेकिन आप हमें एक छटाक मन भी नहीं देना चाहते। तो ये जो है ये घना ने लिखा है, कौन दो पाटी पड़े हो लला, मन ले हो पे दे हो छटाक नहीं।